सबसे मुश्किल काम है भाई ये, कसम से। कितने क्वेश्चंस है? 5 मिनट में मेरी इंग्लिश खत्म हो जाएगी भाई। हाय नबी, अफगानिस्तान हैव हैड अ लॉट ऑफ यू नो अपहीवल, अ लॉट ऑफ टर्मोइल बैक होम। हाउ मच विल अ गुड परफॉर्मेंस इन दिस वर्ल्ड कप मीन फॉर दोज बैक होम? व्हाट डू यू थिंक? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। या इट्स एवरीवन नोज दैट, sorry, bismillah ar-rahman ar-rahim, yeah, everyone knows that back home in Afghanistan there is a lot of happening, everything from last few months, but as a cricket point of view, that's everyone is ready for that World Cup, and we prepared well for this World Cup. Yeah, there is a little bit issues when we arrived to Dubai a little bit late about visa issues, and yeah, this last two warm-up games and practice session will well prepare for the team and prepare well for the upcoming games, for tomorrow games as well. Nabi bhai, ye jo aap ab jo pashto mein just bole, ye thodi samajh mein nahi aayi, par wahi sawal jo pehle bhi pucha gaya tha ki ye ab jis halaat se aap log aa rahe ho, aap logon ne kafi cricketers ne voice raise kiya hai, तो ये एक तरीके से आप लोग की कोई बात हुई है कि जो कंट्री में जो हालात चल रहे हैं और अब जब आप क्रिकेट आकर खेल रहे हो, इसका क्या असर पड़ता है लोगों पर? हालात को उन लोगों पे छोड़ देते हैं जो है उधर गवर्नमेंट में। हमारा क्रिकेट से काम है, जो 20 साल से हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तालिबान की गवर्नमेंट भी हमारा क्रिकेट था पहले, फिर जो 20 साल से दूसरा गवर्नमेंट था उसमें हम क्रिकेट खेल रहे, अभी क्रिकेट खेल रहे। इट्स वो मसला नहीं होगा क्रिकेटर्स को। हम पूरे जज्बे से आए इस टूर्नामेंट में, हम पूरे जज्बे से खेलेंगे, और इंशाल्लाह जो पर उधर मुल्क में हालात में है, यही एक खुशी का एक पैगाम देगा लोगों में कि हम अफगानिस्तान की टीम इधर पार्टिसिपेट कर रहा है, और जो प्लेयर्स है वो भी दिल से खेलेंगे अफगानिस्तान के लिए।